अगर हम लोग एक एक्टिवेटेड एंड पोर्टल के नीचे एक बेड प्लेस कर देंगे तो ये मिथ कहता है कि ये करने से हम लोग हमेशा के लिए एंड में फंस जाएंगे। ओके, तो मेरे को इस पे रिस्पॉन पॉइंट लगाना है एंड देन जल्दी से मेरे को जाना है एंड के अंदर। ओके, मैं सीधा गिर गया हूँ वॉइड के अंदर। देखते हैं कि क्या हम लोग दोबारा से एंड के अंदर रिस्पॉन होते हैं। मिथ एक्चुअली वर्क्स। तो ऐसे ही आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के अंदर 100 मिथ्स इन 24 आवर्स। 50 मिथ्स हम लोगों ने लास्ट पार्ट में किए थे एंड आज हम उससे भी ज्यादा क्रेजी और 50 मिथ्स को बस्ट करने वाले हैं। एंड लास्ट मिथ तो इतना ज्यादा क्रेजी है कि आप लोग बोलेंगे कि ये मुझे कैसे नहीं पता था। जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो यहाँ पे, क्योंकि हम लोग 800,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई व्लॉगिंग चैनल नाउ। लेट्स बिगिन। क्या अगर कोल्ड्रॉन में पानी भरा हो तो क्या हमें फॉल डैमेज नहीं पड़ेगा? It seems it doesn't work. अगला मिथ कहता है कि अगर हम एक विंडिकेटर को जॉनी का नाम दे देंगे तो वो सारे मॉब्स को मारने लगेगा। Let's see if this actually works. Oh, ये मार रहा है एक्चुअली में उस हॉर्स को। ओके, चिकन से ट्राई करते हैं चिकन को। Oh my God. It works. ये वाला काफी ज्यादा स्टूपिड है बट मेरे को ट्राई करना है। आप लोग शेयर्स की मदद से एक विलेजर की नाक काट सकते हो। कुछ नहीं हो रहा। इस मिथ ने तो मेरी नाक कटा दी। जोक अच्छा था, हंसो। अगला मिथ कहता है कि अगर हम लोग एक हार्डकोर वर्ल्ड बनाएंगे एंड देन हम उसमें मर के अगर हम उसको स्पेक्टेट करेंगे बाद में तो हर चीज ग्लिच आउट हो जाएगी। ओके, ये आ गया अपना हार्डकोर वर्ल्ड। जल्दी से मैं सफोकेट करके मर जाता हूँ। हार्डकोर में हार्ट्स कितनी जल्दी जाते हैं रे। ओके जी, मैं मर गया हूँ एंड अब हम लोग वर्ल्ड को एग्जिट करने की जगह उसको स्पेक्टेट करेंगे। फिलहाल तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है। पिग्स नहीं हिल रहे ना अपनी जगह से, बस इसका हेड मूव हो रहा है। वो तो बिल्कुल स्टक है एक जगह पे। ओह माय गॉड, काउ भी नहीं हिल रही अपनी जगह से, ये भी नहीं हिल रहे भाई। दिस मिथ इज एक्चुअली ट्रू। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपनी हार्डकोर वर्ल्ड का गॉड हूँ एंड जब मैं मर जाता हूँ तो पूरी दुनिया स्टॉप हो जाती है? भाई ब्रेन एक्सप्लोड होने वाला है। हमारा अगला मिथ कहता है कि हम लोग स्टोन पिकैक्स से लैपिस को माइन कर सकते हैं। ओके, पहले नॉर्मल लैपिस से ट्राई करते हैं। What? मैं ऐसे इतने टाइम से आयरन पिकेक्स ढूंढता हूँ लैपिस को माइन करने से। हम लोग तो स्टोन की पिकेक्स से माइन कर सकते हैं। ओके, इस पे भी माइन हो रहा है, वाओ। पर अगर लैपिस ब्लॉक को माइन करने की कोशिश करें, ओह माय गॉड, तीनों पे काम कर गया। तो माइनक्राफ्ट के अंदर 5 ब्लॉक्स की दूरी पे जंप करना इम्पॉसिबल है, राइट? वेल, ये मिथ कहता है कि अगर आप 17 ब्लॉक्स ऊपर जंप करते जाओगे तो आप एक्चुअली में एक 5 ब्लॉक जंप कर सकते हो। तो ओके, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना लिया है जिसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। प्लीज लाइक करो मेरी मेहनत के लिए। ओके, अगर ये काम नहीं किया ना तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला हूँ। ओके, अभी तो मेरे को सोनिक जैसा फील हो रहा है। प्लीज 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 एल्बिडो गिरना मत, प्लीज नाक मत कटाइयो मेरी। ओके ओके, इट डिडंट वर्क, राइट? दोबारा से एक बेवकूफी से भरा मिथ कि अगर हम लोग अपने फेदर को ऑफ हैंड में पकड़ेंगे एंड देन जंप करेंगे तो हमें फेदर फॉलिंग मिलेगी। एब्सोल्युटली नॉट। अगला मिथ कहता है कि एक इवोकर एक ब्लू शीप को रेड शीप में टर्न कर देगा। ओके, ये आ गए शीप, इसको करते हैं जल्दी से ब्लू। एंड अगर मैं यहाँ पे एक इवोकर लाऊं तो क्या ये इसको रेड बना दे? What? भाई साहब, this is epic. अगला मिथ कहता है कि एक टोटम ऑफ अंडाइन का टेक्सचर सिर्फ एक विलेजर है विद विंग्स। ओ माय गॉड, आई एक्चुअली सी इट। भाई ये देखो, ये विलेजर की पूरी नाक एंड उसके ऐसे हाथ बंधे हुए भी लग रहे हैं। अगर ये अगला मिथ काम किया तो माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री चेंज होने वाली है। तो अगला मिथ कहता है कि अगर आप लोग एंडरमैन की आंखों में कॉन्स्टेंटली देखते रहोगे तो वो नहीं हिलेगा। ओ माय गॉड, इट एक्चुअली वर्क्स। भाई साहब, ये बिल्कुल नहीं हिल रहा जगह से। बोला था ना, इस वीडियो में बहुत ज्यादा क्रेजी मिथ्स होने वाले हैं। अगर आप लोग एक साइन बोर्ड पे इंक सैक लगा दोगे तो वो एक्चुअली में चमकेगा। मैंने ये डार्क बोर्ड यूज किया ताकि चमक अच्छे से दिखे। एंड अब हम लिखते हैं सब्सक्राइब। ओके, लिख दिया है। अब अगर इस पे हम इंक सैक लगा, ओ माय गॉड, इतनी चीजें माइनक्राफ्ट में जो मुझे नहीं पता है। मुझे लगता है मेरे को माइनक्राफ्ट के बारे में सब पता है। तो क्या एक फॉक्स एक वाटर बकेट की मदद से MLG कर सकती है? ओके, तो मैं बहुत ही ज्यादा ऊपर आ चुका हूँ एंड देन हम स्पॉन करते हैं अपनी फॉक्स को यहाँ पे। एंड अगर मैं वाटर बकेट इसको फेंकूं तो क्या ये पकड़ेगा? आई लव फॉक्सेस बट मेरे को ये करना पड़ रहा है। जा फॉक्स, स्कैम हो गया है हमारे साथ। इसके लिए मैंने अपनी प्यारी फॉक्स को भी मार दिया। अगला मिथ कहता है कि एक इनविजिबिलिटी का स्प्लैश पोशन एक स्पाइडर को गायब कर सकता है। स्पाइडर, एंड इस पे अगर मैं स्प्लैश पोशन मारूं, ओ माय गॉड, गायब है। अगला मिथ कहता है कि अगर आप एक डॉल्फिन को अपने आइटम्स दोगे तो वो उसके साथ खेलेगी। ओ एक्चुअली मैं जंप कर रहे हैं आइटम्स। ओह माय गॉड, ओ भाई वो मेरे डायमंड्स के साथ खेल रही है, लेट्स गो। ये मिथ कहता है कि एक चार्ज क्रीपर विदर स्कल्स ड्रॉप करता है। मेरा आज तक चार्ज क्रीपर से कभी पाला तो पड़ा नहीं क्योंकि मैं इतना बड़ा डेयर डेविल हूं नहीं।
ओके चार्ज क्रीपर हो चुका है। लाइट अप स्केचर्स, मुझे तो नहीं लगता स्कल मिला। ओके ये वाला मिथ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी ट्राई किया था, बट आप लोगों ने कहा था ये वर्क करता है तो हम इसको दोबारा से ट्राई करते हैं। 24 काउस अगर हम एक होल में स्पॉन करें तो हमारे एलाइट्रा को पावर मिल जाएगी उड़ने की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लॉन्च करो। ये मिथ कभी भी मेरे लिए काम नहीं करता। अगला मिथ काफी ज्यादा सिंपल बट बहुत ज्यादा क्रेजी है, और वो ये है कि जब भी हम लोग बोर्ड के अंदर सेल कर रहे होते हैं पानी में, तब हमारी कभी भी हंगर नहीं जाती। अगर ये काम किया ना तो मैं हमेशा पानी के थ्रू जाने वाला हूँ अब। ओके हमारी बोट आ चुकी है, जल्दी से अब पानी के अंदर जाते रहते हैं। काम करता हूँ डिफिकल्टी को हार्ड पे कर देता हूँ ताकि हम इसको और अच्छे से टेस्ट कर पाए। अभी तक हमारी हंगर को चले जाना चाहिए था, बट दिस मिथ एक्चुअली वर्क्स। अगला मिथ ये कहते हैं कि जब तक आप लोगों के हाथ में शील्ड है आपको क्रीपर्स कभी भी हार्म नहीं पहुंचा सकते। शील्ड मैंने पकड़ी हुई है। ओह माय गॉड, 6 क्रीपर्स फड़ चुके हैं मेरी आंखों के सामने। तभी मैं कहता हूँ हमेशा हर स्पीड रन में कि शील्ड सबसे पहले बनाओ। अगला मिथ ये कहते हैं कि कभी भी न्यू वर्ल्ड बनाते हुए आप स्टोन पे कभी भी स्पॉन नहीं होते। नोप, स्नो पे स्पॉन हुआ हूं मैं। No. Oh my god, I actually spawned on stone. भाई साहब, मैं एक्चुअली मैं सोच रहा था कि क्या ये काम नहीं करता, बट देखो मैं तो पूरे स्टोन के माउंटेन पे स्पॉन हो गया हूँ भाई। अगला मिथ ये कहता है कि आप अपनी वर्ल्ड के स्पॉन पॉइंट से अगर नीचे माइन करोगे तो आपको डायमंड्स मिल जाएंगे। ओके यहाँ पे मैं स्पॉन हुआ हूँ, जल्दी से हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं एंड देखते हैं कि क्या हम लोगों को डायमंड्स मिलेंगे। गोल्ड मिल गया है हमें, डायमंड नहीं मिला। ओ या मैं नीचे आया एंड मेरे को मिली सिर्फ मौत। मिथ बस्टेड। ओके तो अपना लास्ट मिथ जो कि अगर सच हुआ तो ये माइनक्राफ्ट का सबसे बड़ा सीक्रेट होने जा रहा है। ओके तो अपेरेंटली हमें एक स्नैपशॉट ढूंढना है जिसका नाम इन्फिनिट हो, या मैं टी लॉन्चर पे खेलता हूँ। ऐसे करो जैसे तुम लोग में से तो कोई खेलता ही नहीं है। इन्फिनिट नाम का स्नैपशॉट क्यों है यहाँ पे? भाई अगर ये मिथ सच में सच हुआ ना तो मेरा तो दिमाग फट जाएगा, मुझे आपका नहीं पता। भाई बॉक्स ऑफ इन्फिनिट बुक्स, वेट कलर चेंज कर रही है एंड बुक निकल रही है इनके अंदर से, कि अब हम लोगों को एक फ्लिंट एंड स्टील से नेदर पोर्टल बनाना है। ओके अब हमें इनमें से कोई सी भी बुक इसमें फेंकनी है बस। डूड मैं सच में कोई मॉड्स यूज नहीं कर रही है, एक्चुअली मैं अपना कलर बदला है अभी के अभी। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो क्या होगा? व्हाट, ये मैं कौन सी बायोम में आ गया हूँ? मैं ये एक बायोम है जिसमें रैंडम ब्लॉक्स हैं। भाई साहब, भाई ये क्या हो गया? अगर दूसरी बुक फेंकूं मैं इसके अंदर, ओ माय गॉड, अब मैं एक सोल सैंड वाली वर्ल्ड में आ गया हूँ जो नेदर दिख रहा है, थोड़े एंड वाले ब्लॉक्स हैं। ये एंड शिप ही है ना? माय गॉड, तो बेसिकली स्मिथ का ये मतलब है कि अगर हम लोग इस स्नैपशॉट पे खेलेंगे एंड इन्फिनिट बुक्स वाले ये चीज यूज करेंगे तो हम किसी भी नेदर पोर्टल को एक अनलिमिटेड बायोम टेलीपोर्टर बना सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है इन वीडियोस को बनाने में एंड आई नो आप लोगों को भी देखने में मजा आता है, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो इस वीडियो पे। मेरे को कमेंट्स में और सारे मिथ्स दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड लव, बाय बाय।